बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जनाब जो हमारा मौजू है वो आज का एडमिशन नोटिस है जो आज के अखबारात में शाया हुआ है। ये एडमिशन नोटिस सिंध टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी की तरफ से है। ये यानी कि ये शॉर्ट फॉर्म में स्टेप्टा भी कहलाती है। ये एडमिशन नोटिस किस किस के मुतालिक है, ये देखें। 3 ईयर्स डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग, यानी कि जो 3 ईयर्स का डिप्लोमा लोग करते हैं ये उसका एडमिशन नोटिस है। 2 ईयर्स डिप्लोमा इन कॉमर्स डी कॉम, 2 साल जो डिप्लोमा इन कॉमर्स का प्रोग्राम है उसका मैट्रिक टेक्निकल यानी कि TSC जो कहलाता है टेक्निकल स्कूल सर्टिफिकेट, और फिर वोकेशनल ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स हैं। यानी ये 4 इन्होंने प्रोग्राम्स ऑफर किए हैं डिप्लोमा, मैं रिपीट कर लेता हूँ। 3 ईयर्स का डिप्लोमा प्रोग्राम, 3 साल 2 साल डिप्लोमा कॉमर्स में मैट्रिक टेक्निकल फील्ड के अंदर, या फिर जो है उसके अलावा वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं। इसके अंदर जो सीधा सीधा बातें उसके अंदर मुख्तसर सी हम बात करेंगे, जिसके बाद तफसीली वीडियो में इन टेक्नोलॉजीज़ के मुतालिक इंशाल्लाह बहुत जल्द डालूंगा। अभी बुनियादी बातें जो इस वक्त बहुत ज़रूरी हैं एडमिशन के लिए, एडमिशन नोटिस के अंदर, उसकी डिटेल मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। देखिए, जैसा आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि जो एडमिशन प्रोसेस है इसके, इसमें जो 2-3 साल डिप्लोमा प्रोग्राम है उसका जो प्रोस्पेक्टस है वो 200 रुपये का मिलेगा, जबकि डिप्लोमा का जो प्रोग्राम है कॉमर्स फील्ड के अंदर उसका जो प्रोस्पेक्टस मिलेगा वो 100 रुपीज़ के हाउस मिलेगा। जबकि जो मैट्रिक का या फिर वोकेशनल ट्रेनिंग के प्रोग्राम में अगर कोई एडमिशन लेना चाह रहा है तो उसको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो ये प्रोस्पेक्टस मिलेगा। अच्छा, इसके अंदर देखें 3 ईयर्स के जो प्रोग्राम है ये बता रहे हैं कि हम गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट मोनोटेक्निक इंस्टीट्यूट में ऑफ़र करेंगे, और फिर इसके अलावा जो डिप्लोमा का प्रोग्राम है कॉमर्स में या उससे रेलिवेंट जो कोर्सेज़ हैं वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस एंड कमर्शियल एजुकेशन, इसके जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं इसके अंदर ये ऑफ़र करेंगे। जो मैट्रिक टेक्निकल या टेक्निकल स्कूल सर्टिफिकेट ये गवर्नमेंट वोकेशनल इंस्टीट्यूट्स जितने भी हैं उनके अंदर ऑफ़र करेंगे, और 1 ईयर जो वोकेशनल ट्रेनिंग या 6 मंथ्स का सर्टिफिकेट कोर्स है ये मुख्तलिफ जगह है, SCOE कोल्ट्री है, गवर्नमेंट वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, इनके अंदर ये जो है वो ऑफ़र करेंगे। तो जनाब, इसके अंदर एक बुनियादी बात और ख़ास बात ये कि जो प्रोस्पेक्टस जो है वो कहाँ से मिलेगा। अच्छा देखिए, एडमिशन फॉर्म एंड प्रोस्पेक्टस ऑफ ईच प्रोग्राम फ्रॉम SCAPTA वेब पोर्टल, यानी कि इनका जो इनको डाउनलोड किया जा सकता है एडमिशन फॉर्म या प्रोस्पेक्टस को SCAPTA की वेबसाइट से, और फिर एडमिशन पॉलिसी के मुताबिक जो है वो इसको जमा करवाया जाएगा। अच्छा, इन्होंने एक बात और जिक्र की है कि जो भी जिस स्टूडेंट जिस एडमिशन लेना चाह रहा है जिस इंस्टीट्यूट के अंदर, अपनी डॉक्यूमेंट्स को वहाँ से ड्यूली अटेस्टेड करवाएगा, उस वहाँ से अटेस्टेड करवाएगा। अच्छा, एक चीज़ का इन्होंने और जिक्र किया है कि आप जिस इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाह रहे हैं वहाँ से फिल होने के बाद फॉर्म को अटेस्ट करवाएंगे। अच्छा, उसके बाद एक और ख़ास बात यह है कि जो रिजर्व सीट्स होती हैं उसके अंदर अपने नॉमिनेटिंग अथॉरिटीज़ जो होती हैं या डिपार्टमेंट होते हैं, मिसाल के तौर पर फ़ौज हो गई या कोई और इदारा हो गया या SCAPTA के अंदर कोई जॉब कर रहा है तो अपने इदारे के थ्रू नॉमिनेशंस जो है वो भेजेंगे। अच्छा, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि जो एडमिशन एक्टिविटीज़ हैं ओपन हाउस, यानी कि 22 अगस्त से जो है वो आपको फॉर्म मिलना शुरू होंगे, इश्यूएंस ऑफ एडमिशन फॉर्म 22 अगस्त 2022। अच्छा, लास्ट डेट ऑफ एडमिशन फॉर्म 15 सितंबर 2022, यानी कि 22 तारीख से 22 अगस्त से 15 सितंबर तक आप फॉर्म ले भी सकते हैं और जमा भी करवा सकते हैं। फाइनल मेरिट लिस्ट इनके ऐड के मुताबिक 19 तारीख को जारी की जाएगी, जबकि एडमिशन फ़ी के लिए इन्होंने सिर्फ एक दिन दिया, यानी कि 20 तारीख को आप एडमिशन फ़ीस जमा करवाएंगे, और कमेंसमेंट ऑफ क्लासेज इनके जो क्लासेस का आगाज़ होगा वह 21 सितंबर से होगा। बज़ाहिर तो ये बात नामुमकिन से नज़र आ रही है क्योंकि जो मौसम की सूरत हाल चल रही है अंदरून सिंध में या कराची शहर के अंदर, तो ये 19 तारीख को वेब मेरिट लिस्टों का जारी होना और 20 तारीख को बच्चों की तरफ से फ़ीस जमा करवा देना और फिर 21 तारीख को क्लासेस का इनका होना, ये बज़ाहिर जो है वो मुश्किल नज़र आ रहा है। अच्छा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि किस फैकल्टी के अंदर या किस प्रोग्राम के अंदर कौन सा बच्चा एडमिशन ले सकता है, मुख्तसर सा हम उसके ऊपर नज़र डालते हैं। तो जनाब, 3 ईयर्स का जो डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग का प्रोग्राम है उसके अंदर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो एज लिमिट है मॉर्निंग प्रोग्राम के लिए 15 से 22 साल और इवनिंग प्रोग्राम के लिए 15 से 35 साल, जबकि मैट्रिक उसका टेक्निकल से होना चाहिए या फिर साइंस के साथ होना चाहिए, और या फिर जो है वो उसका इंटरमीडिएट होना चाहिए, यानी कि प्री इंजीनियरिंग होना चाहिए। या मैं बात वाजे कर दूं कि प्री इंजीनियरिंग के लिए चंद सीटें होती हैं, जबकि मैट्रिक के लिए सबसे ज़्यादा सीटें जो है वो मैट्रिक साइंस और टेक्निकल मैट्रिक के लिए होती हैं। अच्छा, कम से कम मिनिमम मार्क्स 33% होने चाहिए।
इन्होंने एक इजाफी नोट लिखा हुआ है, जिन बच्चों ने मैट्रिक आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज ग्रुप के अंदर किया हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ गारमेंट्स या फिर सेक्रेटेरियल टेक्नोलॉजी के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। इसी तरह जो 2 ईयर्स का डिप्लोमा है कॉमर्स के अंदर, उसके जो एलिजिबिलिटी का क्राइटेरिया है वो मैट्रिक टेक्निकल है या टेक्निकल स्कूल सर्टिफिकेट है, फिर मैट्रिक साइंस आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज होना चाहिए या फिर इक्विवेलेंट होना चाहिए 33% मार्क्स के साथ, 15 से 25 साल इसकी उम्र की हद है, 15 से 35 साल इसकी उम्र की हद है इवनिंग प्रोग्राम के लिए। अच्छा, 1 ईयर जो डिप्लोमा प्रोग्राम है उसके लिए इसी तरह इनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया लिखा है कि 15 से 35 साल के दरमियान होना चाहिए और इंटर या उसका मसावी होना चाहिए 1 ईयर डिप्लोमा प्रोग्राम के लिए। इसी तरह जो कंपिटेंसी बेस्ड ट्रेनिंग है लेवल 2 इससे लेकर 4 तक, उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैट्रिक साइंस होना चाहिए या फिर जो इसके मसावी होना चाहिए 33% मार्क्स के साथ। मैट्रिक टेक्निकल के अंदर देख ले कि जो बच्चा मैट्रिक यानी कि 8वीं करके आया हुआ है उसके मैट्रिक अगर करना है तो मैट्रिक के लिए एलिजिबिलिटी है कि वो 8वीं पास होना चाहिए, कम से कम 33% नंबर होने चाहिए और उसकी उम्र की हद 13 से 16 साल है। इसी तरह आप देखें वोकेशनल ट्रेनिंग के जो प्रोग्राम्स हैं उसके अंदर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो मैट्रिक साइंस होना चाहिए या फिर इक्विवेलेंट होना चाहिए या फिर CBTA A Level 2 and 3 होना चाहिए, इंटरमीडिएट या उसके मसावी होना चाहिए, 15 से 35 साल उम्र की हद है। अच्छा, इसके अंदर नोट लिखा हुआ है मिडिल पास और लिटरेट कैंडिडेट्स आर एडमिसेबल ओनली इन सिलेक्टेड ट्रेड्स। जो मिडिल पास यानी कि जो 8वीं पास होंगे या फिर पढ़े लिखे जो यानी कि जो लिखना पढ़ना जानते होंगे उनको मखसूस ट्रेड्स के अंदर ही, मखसूस फैकल्टीज के अंदर ही एडमिशन दिया जाएगा। ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स, ये जो वोकेशनल छोटे छोटे मुख्तसर से ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं वोकेशनल ट्रेनिंग के, ये उसके लिए बात हो रही है। जो इसके अंदर जो एडमिशन फॉर्म मिलेंगे उसका इन्होंने जिक्र किया हुआ है जो ऐड से समझ में आ रहा है कि जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है कोटरी का, गवर्नमेंट वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है और इसके अलावा गवर्नमेंट वोकेशनल स्कूल है। इसके अलावा आप जो है वो अदर प्रोविंस के जो बाहर से जो लोग हैं वो एडमिशन फॉर्म जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, एडमिशन फॉर्म और प्रोस्पेक्टस जो डाउनलोड कर सकते हैं STAPTA की वेबसाइट से। तो जनाब वेबसाइट है इसकी www.stapta.gs.pk। अच्छा, इसके अलावा एक ख़ास बात यह है कि जो आज के अखबार हैं, मुल्क के बड़े अखबार हैं, जंग वगैरह और दीगर अखबार, उसके अंदर ये जो वो एडमिशन का ऐड आया हुआ है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अब हमारी कोशिश होगी कि हम डिटेल्ड वीडियो डालें इसके मुतल्लिक कि कौन से स्टूडेंट को किस फील्ड का, किस फैकल्टी का, किस ट्रेड का इंतखाब करना चाहिए, किन बेसिस पे वो फील्ड का इंतखाब करे और किस फील्ड की खपत या किस फील्ड की सबसे ज़्यादा जो है वो इंडस्ट्री के अंदर डिमांड है, सोसाइटी के अंदर डिमांड है और उसकी वजूहत क्या हैं। और दूसरा एक ये कि ख़ास बात कि आपने तमाम दोस्तों को, फ्रेंड्स को जिन्होंने मैट्रिक किया है, जिन्होंने मिडिल पास किया यानी कि 8वीं पास की है या फिर इंटर किया है और वो टेक्निकल फील्ड को एज़ अ करियर अपनाना चाहते हैं, उनको इसके मुतलिक लाजमी एडमिशन के मुतलिक आगाह करें कि वो ताकि एडमिशन ले सकें। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो से आप इस्तेफादा हासिल कर सकें।